Hello student, this is Navneet and welcome to my channel e-learning Guruji. This is another video of the series Hornbill book class 11th and the poem number 3rd, Childhood. The poet of this childhood poem is Marcus Natton ne ye likhi hai, Marcus Natton ne ye poem likhi hai. So the poem is all about childhood ke baare mein, jab confused hai, when the poet is very confused. When he has lost his childhood, तो उसके बारे में कुछ thoughts हैं. There are four stanzas in the poem. The first one, when did my childhood go? उसको confusion हो रखी कि मेरा childhood जो है कब गया, मेरे बचपन के दिन कब गए, क्या ये तब था जब मैं 11 साल का था या फिर जब मुझे मालूम पड़ा कि एक स्वर्ग और नर्क क्या होता, क्या वो टाइम था, ठीक है, और क्या वो ज्योग्राफी में कहीं मिलेगा मुझे, ठीक है, इस तरह की बातें कर रहा है फर्स्ट स्टैंजा में. And then second one says, when did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not adult, all they seem to be? क्या ये time तब था जब मुझे मालूम पड़ा कि adults जो होते हैं वो जैसा preach करते हैं, जैसा बोलते हैं वैसे नहीं होते हैं, अंदर से कुछ और ही होते, क्या वो time था? और फिर तीसरे उसमें बोलता है stanza में कि मेरा childhood क्या उस time खो गया था जब मुझे मालूम पड़ा कि मैं एक independent हूँ, मैं सही गलत सोच सकता हूँ, I am grown up, ठीक है. और लास्ट में जब वो सब चीज़ों का उसको कंक्लूजन नहीं मिलता है, ही इज़ कन्फ्यूज्ड, एंड देन ही सेज वेयर डिड माई चाइल्ड हुड गो, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, दैट्स ऑल आई नो. वो बोलता है कि मेरा चाइल्ड हुड जो है खो गया है कहाँ, एक इन्फेंट्स जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके फेस में, उसकी मासूमियत में जो है मेरा चाइल्ड हुड चले गया है, एंड इट्स हिडन इन हिज फेस, उसके फेस में हिडन है, एंड दैट्स वेंट टू द फॉरगॉटन प्लेस, और एक अननोन जगह में चले गया. सो दिस इज व्हाट द समरी ऑफ द पोएम इज. नाउ देयर आर थिंक इट आउट फ्यू क्वेश्चंस. आइडेंटिफाई द स्टैंजा दैट टॉक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. इंडिविजुअलिटी जहाँ पे इंडिपेंडेंसी की बात कर रहा है, सो दैट इज इन थर्ड स्टैंजा वेयर ही फील्स लाइक आई एम ग्रोन अप एंड आई नो राइट एंड रॉन्ग. And rationalism in first stanza, hypocrisy in second stanza. Question number 2, what according to the poem is involved in the process of growing up? So growing up is a process when mental maturity is there, and when you are called grown up, jab hum aapko grown up kisi ko bolte hain, adults bolte hain, to adults have थिंग जजमेंट काइंड ऑफ थिंग उनके अंदर आ जाती है, वेयर दे कैन बी श्योर कि सही क्या है गलत क्या है, यहाँ पे ठोकर लगनी है यहाँ पे नहीं लगनी है. सो दोज आर मेंटल मेच्योरिटी इज कॉल्ड द ग्रोन अप्स. सो दैट इज द प्रोसेस द पोएट हैज सेड इन हिज पोएम एंड एक्सप्लेन दैट इज द प्रोसेस इज ग्रोन अप, ठीक है, ग्रोन अप का वो प्रोसेस है. नंबर 3 वी हैव, what is the poet's feeling towards childhood? Childhood poet is feeling because he wanted to go back to the childhood because he feel that childhood was awesome time where he had no worries, no tension. उसको किसी भी चीज़ के बारे में टेंशन नहीं होती थी और बहुत मासूमियत थी, ऑनेस्टी थी मन में, दिल में. सो दैट इज़ वॉट ही वॉज थिंकिंग टू फाइंड आउट एग्जैक्टली वेन ही हैज़ लॉस्ट हिज चाइल्ड हुड, कब था वो, क्या वो 11 साल का था, तो जो भी उसने स्टेप्स बताए हैं पोएट ने इसमें, ठीक है. लास्ट क्वेश्चन वी हैव, विच डू यू थिंक आर द मोस्ट पोएटिक लाइन्स एंड वाई. द मोस्ट पोएटिक्स लाइन पोएटिक लाइन्स इन दिस पोएम इज द लास्ट स्टैंजा, वेयर डिड माई चाइल्ड हुड गो, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, ऐसे फॉरगॉटन प्लेस में चला गया है, दैट्स हिडन इन इन्फेंट्स फेस, और एक इन्फेंट्स के फेस के हिसाब से उस तरीके से जैसे इन्फेंट्स का फेस होता है, एवरी मासूमियत, ना वो बोल सकता है ना ज़्यादा कुछ सोच सकता है, इट्स अ डिसेंसी दैट शोज अप ऑन इन्फेंट्स फेस. तो ये जो है मोस्ट पोएटिक लाइन थी, ठीक है. सो द पोएम इज कवर्ड अप, आई होप यू लाइक्ड इट, एवरीथिंग इज कवर्ड. सो काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम है, आप क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेना इसके, एंड डू शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर माई चैनल, एंड लेट मी नो इफ यू वॉन्ट मी टू डू एनी मोर थिंग्स. थैंक यू, बाय.